चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल नंबर 8, जहां पर बापू धाम कॉलोनी के लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से 56 लोगों को शनिवार को ठीक होकर प्रशासन द्वारा बसों में उनके घरों में वापस भेजा गया। करीब 16 दिन पंजाब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने के बाद बापू धाम निवासियों ने कहा कि उन सभी लोगों को जबरदस्ती यहां पर क्वारंटीन किया गया था, जबकि उनमें से किसी को भी कोरोना नहीं था। इस दौरान उनका किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया गया। लोगों ने इस बात की भी शिकायत की कि इस दौरान न तो उन्हें खाना ढंग का मिला और न ही पीने का पानी सही था। प्रशासन द्वारा जानबूझकर उन्हें यहां रखने का मतलब नहीं समझ आया। खुद ही सुने क्या कहा इन लोगों ने। मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? खाना पानी खाने का इंतजाम कैसा था? खाने में सर जी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किसी दिन तो आ रहा था खाना, रोटियाँ बिल्कुल वैसी हो रहा थी, ठंडी कच्ची ऐसी उल्टा सीधा। बस ये सोचो जिंदा रहने के लिए हमने यहाँ पर जो भी किया मशक्कत की, किराए के मकान पर रहते हैं सर जी, अब वहाँ किराया मकान का किराया भी देना है और घर वालों का काम उन सब ठप है। मजदूर बंदा क्या करेगा सर जी, बहुत प्रॉब्लम है। अब आपको क्या बताएं, राशन रूशन का इंतजाम यहाँ पे तो उन्होंने उल्टा सीधा खिला दिया। घर जाके क्या खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? और दिलीप शर्मा दे दिया, दिलीप शर्मा कर रहे हैं। दिलीप शर्मा ने भी कुछ नहीं किया, ना आकर देखा हमें, ना कुछ, ना वहाँ पर भी देखेंगे। इसलिए हमें सर जी प्रशासन से बहुत ज़्यादा बहुत 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 बेकार के लिए खड़े होती है बच्चों को। मैडम, आप आज क्वारंटाइन से फिर वापस घर जा रहे हैं, किस तरह का लग रहा है आपको? सर फिलहाल तो जैसा था टाइम गुजर गया। पुलिस वालों की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रशासन की तरफ से है, हमें कोई भी देखने नहीं आएगा। किस तरह की बात है? सफाई करते खाना करते सबका आया, पुलिस वालों ने बच्चों को वगैरह इन्होंने हमारी हेल्प की है, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ। और बस यही प्रॉब्लम रही है, साफ सफाई भी हमने पूरी की है। खाना वगैरह पानी वगैरह कई बार कच्चा आया, कई बार सही आया, कई बार कैसा आया, चलो हमने गुजारा कर लिया जैसा तैसा। वो बच्चे के सर साथ में हमें जबरदस्ती क्वारंटाइन करके रखा है यहाँ पे 7 डेज के लिए, होते हैं हमें 14 डेज के लिए यहाँ पे रखा था। कई लोग यहाँ से अपने अपने घरों को गए हैं, क्वारंटाइन हुए थे यहाँ पे, उन्होंने आपकी तारीफ की है, बताएंगे किस तरह का आपने यहाँ पे उनकी देख रेख की, इंतजाम किया? ऐसे है जी, हमारे पास 22 मई को सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ पे लाने के लिए। पहले 22 लोग आए, फिर 122 आए, ठीक है जी, बढ़ते गए। तो हम धीरे धीरे जैसे आए थे वैसे हम उनको भेजते रहे जी। आज यहाँ से 56 लोग गए हैं, जो 33 अभी हमारे पास बाकी हैं, 89 लोग थे टोटल। टाइम टू टाइम जितने जैसे फ्लोर हुए थे, हमने एक कमेटी सिस्टम बनाया था मैंने, जब मुझे लगा भी इनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो इनकी हमने शिकायतें सुनी पहले, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हर फ्लोर से 2-2, 3-3 आदमी लेके, लेडीज़ लेके इनकी प्रॉब्लम्स सुनी। वो प्रॉब्लम्स को मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से, मेरे SHO साहब हैं, DSP साहब हैं, उनसे शेयर की। शेयर करने के बाद फिर मैंने इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी सर, ये एक मेरी कोशिश थी। अगर ये अच्छा कह रहे हैं तो मैंने एक प्रयास किया है सर इनको अच्छा देने का, जो मैंने किया। कितने लोग अब यहाँ पे बचे हैं टोटल यहाँ पे? 33 लोग और बचे हुए हैं, जो एक वीक और बाकी है इनका, फिर ये यहाँ से चले जाएंगे। तो इनको ये जा रहे हैं, इनको कोई सर्टिफिकेट दिया गया है कि अब आपको कोरोना नहीं है, या ये यहाँ पे आए थे कोरोना सिम्टम इनके अंदर थे? नहीं, जब आए थे जब भी इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करके आए थे, और अब जब यहाँ से भेजे हैं तो डॉक्टरों की टीम थी, डॉक्टर्स ने इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके इनको कार्ड दिया गया उसका, तो तब भेजे हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।